यार मास्टर, ये रिजल्ट बताए। डांस की कसौटी पर उतारे गए सभी डांसिंग स्टार्स प्लीज मंच पर आ जाए। ये जानने का वक्त आ गया है कि वो कौन दो डांसिंग स्टार्स हैं जिन्हें आज ये मंच छोड़कर जाना होगा। ग्रैंड मास्टर मिथुनदा, आप हमें अपना फैसला बताएं। मैं इतना ही कहूंगा, जो जजमेंट इस वक्त लिया गया है कि कौन कितना ज्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस स्टेज के ऊपर दिया, सारी गलतियों को भूल के, टेक्निकल्स भूल के ये डिसीजन लिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें खराब है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट दैट्स द वे द नेम ऑफ द गेम एंड आई हैव टू डू दिस डर्टी जॉब। थैंक यू। आप तीनों में से कोई एक डांसिंग स्टार आज हमें छोड़कर इस मंच से चला जाएगा। वो डांसिंग स्टार जिसकी सुनहरी तकदीर की टोपी पाने का सपना इस साल पूरा नहीं हो पाएगा, वो है मीनू। शक्ति और बिनी, आप सुरक्षित हैं, आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। सॉरी सर। कोई बात नहीं बिनी, हम वाव फैक्टर लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट टाइम। ठीक, रोना मत, आप हार के नहीं जा रहे यहाँ पे, मेरे लिए आप जीते। बिल्कुल नहीं। आपका बाहर जाना मेरे लिए बिल्कुल हार नहीं है सर। वाइल्ड कार्ड अभी है, मैं वापस जरूर आऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बारी है लड़कों की। सुनहरी तकदीर की टोपी पाने का सपना जिसका इस साल पूरा नहीं होगा, वो है धर्मेश। धर्मेश जी सर, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा होता है मैम कि कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे मेंटर्स को कुछ गलतियाँ, मतलब जो बोलते हैं वो उनका नॉलेज होगा, तो नो प्रॉब्लम मैम। अभी जिंदगी थोड़ी फिनिश की हुई,
अभी तो बहुत बाकी है। तो धर्मेश, आपको भी लगता है कि क्या आप वाइल्ड कार्ड से वापस आ पाएंगे? जी जरूर, लगता है कि मैं वापस वहाँ बैठूँ। और मैं डीआईडी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बहुत बुरा लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ, बट बहुत सब चीज़ें आ गए हैं, तो बहुत सब चीज़ें करने और बहुत से स्टूडेंट रेडी कर लें डीआईडी 3 के लिए। तो आप लोग प्लीज़ यार इतने टेंशन में मत आइए। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हम वापस आएंगे। मास्टर गीता जी, मैं तो अभी भी शौक में हूँ, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं शायद अपने आप को ब्लेम करूँगी, क्योंकि मैंने धर्मेश से क्लासिकल फॉर्म या फोक फॉर्म कराने की गुस्ताखी की आज। शायद मुझे उनको वही करवाना चाहिए था जो वो हमेशा करते हैं। Could it be my fault? That's a question that will always stay with me. Should I experiment with my contestants? Maybe I should have made you do what you do best. लेकिन मुझे डर ये था कि आप बार बार वही करोगे तो लोगों का कहना यही होगा कि धर्मेश कब तक यही करोगे, कुछ नया करके दिखाओ। ये तो हम जानते हैं कि आप अच्छा करते हो। आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट हर्ट। आप वापस आओगे धर्मेश, आई मेक श्योर यू कम बैक। Master Terence, I just want to say to Dharmesh, you are brilliant, and yes, you deserve to stay. But I'm really sorry कि आपको ये dance form करना पड़ा जो difficult है. I'm really sorry about this. You're a genius in hip hop. I respect you. Master Remo, आप खामोश हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? Yes, जिस तरीके के dancer हैं Dharmesh sir, उन्हें तो रहना चाहिए था यहाँ पे। और मुझे पूरा यकीन नहीं कि wild card में ये वापस आएंगे। अब बहुत लंबे तक जाएंगे। आई थिंक सो टू, मुझे भी यकीन है बहुत लंबे तक जाएंगे। दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस, दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस। हो जाती है, हर बड़े बड़े तुरम खान से गलती हो जाती है। नोबडी शुड फील बैड, नॉट गीता, नॉट यू, नॉट एनीवन, एनीबॉडी सिटिंग हियर। हो जाता है, हम कुछ सोचते हैं कुछ और हो जाता है। दैट डजंट मीन दैट यू आर बैड।